हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्केट नामा। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आपसे रिलेटेड है। आप क्या सोचते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके? आपके मन में कौन सा सवाल आता है? एक आम निवेशक के मन में कौन सा सवाल आता है और वो क्या सोचते हैं? क्या आपके मन में जो सवाल आता है उसमें कुछ सच्चाइयाँ होती है या वो सिर्फ मिथ है? इन सभी सवालों का जवाब देखने के लिए, जानने के लिए आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो पहला सवाल है कि क्या सेविंग अकाउंट एक अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट का? क्या आपको सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करना चाहिए? तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट में आप अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट आपको 3 से 3.5% का रिटर्न देता है, जो कि महंगाई दर जो आपका बढ़ रहा है वो 6% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो महंगाई दर को भी ये सेविंग अकाउंट बीट नहीं कर पा रहा है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा जमा करना चाहिए जितना आपको इमरजेंसी में उस फंड का ज़रूरत हो। इमरजेंसी के लिए आपको कोई पैसे का अर्जेंट ज़रूरत हो तो उतना ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए। और उसके अलावा जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा सवाल, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप गलत सोचते हैं। आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा तो हो सकता है आपके फ्यूचर में, आपके बच्चों के एजुकेशन में, आपके रिटायरमेंट प्लान में हो सकता है प्रॉब्लम हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है और हम सभी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा सवाल, क्या म्यूचुअल फंड पैसा लेके भाग जाता है? तो मैं इस सवाल पे सिर्फ हंस सकता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड, बहुत से लोगों के मन में ये है कि म्यूचुअल फंड पैसा लेके भाग जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड पैसा लेके आपका भागने वाली नहीं है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, बहुत सी छोटी छोटी कंपनी आई है, अनोन कंपनी आई है और लोगों से पैसा इकट्ठा करके गई है और प्रॉमिस किया है कि आपको 1 साल में 2 साल में पैसा 2 गुना 3 गुना करके देंगे और पैसा लेके भाग गया है। इसलिए बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि म्यूचुअल फंड में क्या पैसा लेके भाग जाएगा। तो म्यूचुअल फंड को सबसे पहले तो सेबी रेगुलेट करता है और ये भारत सरकार के अंदर आता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा बिल्कुल सेफ है और आपका पैसा लेके कोई भागने वाला नहीं है। चौथा सवाल, म्यूचुअल फंड से अच्छा LIC है। तो मैं आपको इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि LIC सबसे अच्छा है लाइफ इंश्योरेंस के लिए और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है लॉन्ग टर्म में LIC से। शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है, इसमें किस्मत चाहिए, ये एक मिथ है, ये बिल्कुल भी गलत सवाल है। ये आपके मन में आता है तो आप गलत सोचते हैं। शेयर मार्केट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, ये सबसे अच्छा आपको रिटर्न जनरेट करके देती है लॉन्ग टर्म में। अगर आप किस्मत के भरोसे शेयर मार्केट में आएंगे तो अपना पैसा गंवा के जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपका किस्मत 1 या 2 बार साथ दे और आप किसी शेयर में अच्छा रिटर्न जनरेट कर ले, लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आप जब कभी भी शेयर मार्केट में आइए तो किस्मत के भरोसे नहीं आइए, नहीं तो आप अपना पैसा गंवा के जाएंगे। छठा सवाल, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये भी एक मिथ्य है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे इन्वेस्टर हैं, बहुत से ऐसे महान इन्वेस्टर हैं जिनका फाइनेंशियल एजुकेशन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है, तभी वो एक महान, वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बने। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होना ज़रूरी है। आप कितना अच्छा किसी बिजनेस को समझते हैं, आप किसी शेयर का कितना अच्छा वैल्यू करते हैं, आपका बेसिक नॉलेज है अगर शेयर मार्केट का, तो आप एक यहाँ पे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं और शेयर मार्केट से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आठवां सवाल, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बड़ा अमाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सवाल भी एक मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 लाख 2 लाख करोड़ है तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 1,000 2,000 10,000 है तभी भी आप शेयर मार्केट में आ सकते हैं। बस आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए जहाँ से आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। 90% लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में गंवा के जाते हैं,
तो ये सवाल बिल्कुल भी एक फैक्ट है, ये एक मिथ्य नहीं है, ये एक सच्चाई है कि ज़्यादातर लोग मार्केट में आते तो हैं शेयर मार्केट में, लेकिन अपना पैसा गंवाते हैं, क्योंकि मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे निवेशक होते हैं वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, और वो छोटी कंपनियाँ जो लॉस मेकिंग कंपनियाँ हैं उनमें अपना उस कंपनियों का अपना शेयर बाई करते हैं, और वो अपना पैसा गंवाते हैं, और वो सोचते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएंगे, इसलिए वो अपना पैसा गंवाते हैं। वो सोचते हैं कि छोटी छोटी कंपनियां में 1 या 2 रुपए का शेयर है तो वो एक या 2 रुपए का शेयर ले लेते हैं, अगर 1 रुपया भी अगर शेयर बढ़ता है तो मेरा तो दोगुना पैसा बनता है, इसलिए वो छोटी छोटी कंपनियों में बाई करते हैं और पैसा गंवाते हैं। तो शेयर मार्केट में आप आइए, अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, वेलकम है, लेकिन आप फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां जो है, स्थापित कंपनियां जो है, उन्हीं में अपना निवेश कीजिए, और लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये मिथ और फैक्ट्स की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।